गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कल एक जो न्यूज़ पढ़ी, अभी मैंने उसकी पोस्ट भी डाली थी, हरियाणा के नूह जिले में किस तरीके से एक डीएसपी को खनन माफिया के जो लोग होते हैं, अवैध खनन करते हैं, उन्होंने डंपर से कुचल के मार दिया। कितना आसान लगता है। 3 महीने बाद जो आदमी रिटायर होने वाला था अपनी नौकरी पूरी करके, और वो अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए गया था, और अपनी ड्यूटी जो उसकी होती है, और उसको इस तरीके से मतलब मार दिया गया। तो मुझे याद आया 2012 में एक 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंडर के थे, नरेंद्र कुमार। वो भी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए निकले थे अवैध खनन। मुरैना जिला है, राजस्थान के धौलपुर जिले से लगता है, बोल रहे हैं। तो वहाँ पर भी बहुत अवैध खनन होता है, बजरी वगैरह का इनका। तो वो उन्होंने ट्रैक्टर रुकाया, उसके स्टीयरिंग बगल में खड़े होकर स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, और वो नहीं रुका और उनके ऊपर चढ़ा दिया, और उनकी भी मौत हो गई थी। गूगल करना आप लोग, मिल जाएंगे। इस तरीके से मतलब कितने ये ईमानदार ऑफिसर होते हैं जो अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, लेकिन ये अपराधी कितने बेखौफ होते हैं जो मतलब ठीक है भाई, पकड़े भी जाएंगे तो क्या फाइन, कुछ जुर्माना लगेगा, तो फांसी तो होगी नहीं इनको, लेकिन ये इसका मतलब है कि डरते नहीं है, इनको कानून की परवाह नहीं है, ये बेखौफ है। और इस तरीके से मतलब पुलिस ऑफिसर, नॉर्मल पुलिस मतलब वो नहीं, ये लोग मतलब एक डीएसपी एसपी रैंक के ऑफिसर्स पर भी डंपर चढ़ा देते हैं, ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, ये बहुत दुखद है। और इसमें हालांकि मैं अभी पढ़ रहा था कि उसमें पकड़ा गया है, क्योंकि वो तो पहचान में आ रहे हैं ना, तो छुप नहीं सकते। वो जो बच गए, जो उनके साथ में 2 पुलिस वाले थे और ड्राइवर जो था डीएसपी का, वो तो देखा होगा उन्होंने, और गांव के लोग भी बताएंगे कि कौन लोग थे। वो तो ये मतलब एक साथ पकड़ा गया है, और भी पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़ने से क्या वो चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं क्या? वो तो उनकी फैमिली को उसकी भरपाई हो पाएगी? तो अब नरेंद्र कुमार जो था आईपीएस, उनके भी मैं न्यूज़ सर्च कर रहा था, उसमें क्या हुआ ले दे करके 12 साल की सज़ा हुई उसको। 12 साल तो हो गए ना, 2012 में वो घटना हुई थी, 10 साल हो गए, मतलब 2 साल और बचे, वो छूट जाएगा और फिर बेवकूफ हो गया, फिर घूमेगा। उसको गैर इरादतन हत्या का मामला माना गया था, जबकि उसमें क्या इरादा क्यों नहीं है भाई? जो सामने ट्रैक्टर चढ़ा रहा है, वो पुलिस ऑफिसर उसको रोक रहा है, तो इरादा क्यों नहीं उसका मारने का? इरादा तभी तो ट्रैक्टर को रोक नहीं रहा हो। तो ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये मामला है। इसमें मैं गुजारिश करूंगा राज्य सरकार से, मतलब तो मेरी गुजारिश का तो खैर क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक सेंसिटिव सिटीजन होने के नाते, एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते, हम सबको इस तरह की भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। तो ये ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, एक एग्जाम्पलरी सज़ा मिले, उदाहरण के तौर पर जिसको लोग याद रखें, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो और पुलिस का कानून का भय हो अपराधियों में, इस तरह का उदाहरण पेश किया जाए तो कोई बात बने, नहीं तो फिर और हम इंतज़ार करेंगे 2-4 महीने साल बाद, कहीं और प्रदेश में देश में ऐसे ही मतलब अपराधी हैं, वो किसी ऑफिसर को कुचल देंगे, उसके परिवार को अनाथ कर देंगे। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे मतलब सबके लिए ये ठीक नहीं है, चाहे आप सिटीजन हैं या फिर आप पुलिस में हैं या फिर आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, इस तरह के ऐसे अपराधियों का बेलगाम हो जाना समाज के लिए घातक है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।